कैसे हैं आप सब। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ चैनल जॉब। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख रहे हैं कि नर्सिंग छात्रों की स्ट्राइक वीडियो। तो यहां पे जो कैंडिडेट कल पहुंचे थे आपके यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी है आयुष यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट बस गए थे। तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने कैंडिडेट हैं। और हर बार इन लोगों का स्ट्रेंथ जो है 500 से 1000 तक का होता था, बट इस बार जो है 60 ऐसी स्ट्रेंथ था और पुलिस वाले इनसे डबल थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि वो वीडियो भी दिखाऊंगे आप लोगों को कि कल क्या हुआ यूनिवर्सिटी में, मतलब कैसे डोर क्लोज था यूनिवर्सिटी का और छात्र पूरा बाहर में हल्ला कर रहे थे, मतलब वो अपनी मांगे को पूरा करने के लिए वी वांट जस्टिस वाला नारा लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये है कि आप लोगों ने लास्ट में अपनी यूनिटी छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने कम स्टूडेंट हैं, हर बार 500-1000 तक के होते थे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए आप लोगों की यूनिटी को लास्ट तक बना के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए, चाहे जीत हो चाहे हार, आप लोगों को यूनिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पहले जैसी आप लोगों की यूनिटी थी वैसी लास्ट तक यूनिटी आपको बना के रखना था। यूनिटी टूटी, इसी वजह से आप लोग को आज जो है, मतलब इसमें एक किसी भी साइड से जीत नहीं हुई। आप लोगों ने वहाँ पे भी, कुछ स्टूडेंट ने वहाँ पे भी यूनिटी तोड़ी जहाँ पे हाई कोर्ट की बात थी, और जो कल जाना था उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गए नहीं। तो इस वजह से भी, क्योंकि कुलपति ने खुद डायरेक्ट ही बोल दिया कि आप 60-70 स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम है, बाकी सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा करके बोल दिया उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि आप, लेकिन एक बात है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ही मेहनत किए हैं इसमें, और ऐसे भी किसी भी गलत चीज़ का विरोध करने के लिए आप लोग ऐसे हमेशा सामने आइएगा। बहुत अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जो स्टूडेंट लोग हैं इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिए, भले हार हुई या जीत वो बात की बात है, लेकिन एक साथ तो हुए, पूरे यूनिटी दिखाए लास्ट टाइम तक। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है गए भी थे लास्ट टाइम तक, बहुत सारे स्टूडेंट गए थे, उसका वीडियो आप देख लेना। और अगर आगे भी आपको ऐसी, मतलब कुछ भी चीज़ का विरोध करते हैं, तो उसमें यूनिटी लास्ट तक मत तोड़ना आप, ठीक है, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि यूनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए वो वीडियो दिखा देते हैं, लेक्चर तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वीडियो दिखाते हैं। और नेक्स्ट टाइम से आप लोग यही याद रखना कि यूनिटी नहीं तोड़ना है, बाकी आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, वीडियो देख लीजिए एक बार। जय लड़की बोल दी, लड़की बोल दी,